सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं हूँ हिमानी ठाकुर। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, तो मैं आज आप सभी को दिखाऊंगी कि हिमाचली एक सेब को तैयार करने के लिए पूरी साल भर कितनी मेहनत करते हैं। तो ये वीडियोस मेरी पार्ट पार्ट में होगी। तो आज मैं इस वीडियो का पार्ट वन, जो कि है ग्लोइंग ऑफ द फील्ड्स, कि हिमाचली अपने खेतों में खुदाई किस तरह करते हैं, आज आप सभी को मैं वो सब चीज़ें दिखाती हूँ अपने बगीचे की सैर। ये देखिए, ये सूखी हुई सेब की लकड़ियाँ। ये एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ था जो कि टूट गया, और फिर ये इस तरह हिमाचली क्या करते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी कर देते हैं इसकी, ताकि क्या हो सके, तंदूर में जलाने के काम आ सके। मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी कि तंदूर क्या होता है। तो चलते हैं आगे। ये देखिए, यहाँ पर भी इस तरह लकड़ियों के ढेर लगाए हैं, फिर इनको घर घर ले जाते हैं लकड़ियों को। फिर जैसे कि आप सभी ने देखा कि किस तरह खेतों की खुदाई की जा रही है, तो क्या है, पहले हम लोग क्या करते थे, ये सारा काम अपने ही हाथों से करते थे, जिसको करने के लिए कई हफ्ते लग जाते थे, पर अब ये कई हफ्ते का काम कुछ ही घंटों में हो जाता है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ये है पेस्ट और ये है हमारी देसी ब्रश। तो इस पेस्ट को हम वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर प्रूनिंग की है। प्रूनिंग मतलब जो पेड़ का कोई अनवांटेड सेक्शन है उसको कट कर देते हैं। प्रूनिंग वाली वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई, तो जहाँ पर प्रूनिंग की हुई है वहाँ पर जो वाउंड हो जाता है, जो हम टहनी काट देते हैं वहाँ पर जो वाउंड हो जाता है, तो वहाँ पर हम इसको पेस्ट को लगा देते हैं, क्योंकि जब बारिश होगी ताकि कोई उस जगह पर कोई बीमारी ना हो जाए, जैसे कि कैंकर वगैरह लगता है पेड़ों में, वो ना हो जाए, उस चीज़ से बचने के लिए हम इस पेस्ट को उस जगह पर लगाएंगे। तो आइए मैं आप सभी को ये चीज़ दिखाती हूँ कि कहाँ पर हम इस पेस्ट को लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। मैं आप सभी को बता रही थी कि इस पेस्ट को कहाँ पर लगाते हैं। तो देखो, जैसे कि ये प्रूनिंग की है, यहाँ पर एक ब्रांच, एक टहनी कट कर दी है, तो यहाँ पर जो कट लगा है, ये कट दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैं इस पेस्ट को इस तरह लगा दूंगी, एक थिक लेयर अप्लाई करूंगी इस पेस्ट की, ताकि क्या हो सके, जब बारिश होगी तब यहाँ पर कोई भी डिजीज रिड्यूस ना हो जाए। चलो आगे भी हम फिर देखेंगे इस तरह से कट लगा होगा अगर टहनी में, तो यहाँ पर इस पेड़ पे भी नहीं है। यहाँ पर एक और सेक्शन है जो कट किया हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं एक थिक लेयर अप्लाई कर दूंगी इस पेस्ट की, बहुत ज्यादा ही थिक लेयर। सो गाइज, ये था मेरा आज का दिन जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।